भक्त बंधुओं और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के दिन किस प्रकार से पूजा की जाए या किस प्रकार से क्या क्या सामग्री होनी चाहिए जिससे पूजा करने से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और अन्य देवता को आप प्रसन्न कर पाएं। तो चलिए आइए देखते हैं वो विधि क्या है, पूजन करने की विधि और वो सामग्री क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाए। कार्तिक कृष्ण अमावस तिथि को दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान राम के अयोध्या के राजा बनने का उत्सव मनाया जाता है, तो कहीं ये नरकासुर के अंत का उत्सव मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं में यह देवी लक्ष्मी का आगमन का दिन माना जाता है। दरअसल दिवाली संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। दिवाली के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय शुभ मुहूर्त के हिसाब से लक्ष्मी जी का पूजन श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, कुबेर देव और काली जी के साथ किया जाता है। इस दिन पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए इसके लिए यह जरूरी है कि हमें पूजा विधि और जरूरी सामग्रियों की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए जो माता लक्ष्मी गणपति भगवान को प्रिय है। कमल व गुलाब का फूल, पान का पत्ता, रोली, केसर, चावल, सुपारी, फल, दूध, फूल, इत्र, खीर, बताशे, मेवे, शहद, मिठाई, दही, गंगाजल, दीपक, रुई, कलावा, नारियल, तांबे का कलश, स्टील या चांदी का कलश, चांदी का सिक्का, लोटा, आटा, तेल, लौंग, लाल कपड़ा, घी, चौकी और एक थाली। ये बात हो गई इस पूजन सामग्री की जो हमें पूजा करते समय इस्तेमाल करना है। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि, किस विधि से किस तरीके से माता लक्ष्मी भगवान गणपति को हमें पूजा करनी है। चौकी को साफ करने के बाद आटे की मदद से चौकी पर 9 ग्रह यंत्र बनाएं। स्टील के कलश में दूध, दही, शहद, गंगाजल, लौंग इत्यादि डालकर उस पर लाल कपड़ा बांध उसके ऊपर नारियल विसर्जित कर दें। 9 ग्रह यंत्र पर चांदी का सिक्का रखें और लक्ष्मी गणपति की मिट्टी की प्रतिमा का स्थापन गंगा जल से स्नान कराने के बाद करें। उसके बाद रोली और अक्षत से टीका करें। भगवान के विग्रह के बाईं तरफ यानी कि आपके दाहिनी तरफ घी का दीपक जलाएं। दाईं हाथ में भगवान से इत्र, अक्षत, पुष्प, मिठाई, फूल और जल अर्पित करें। पहले से तैयार किए हुए पारंपरिक रीतियों के हिसाब से 11-21 सरसों के तेल के दिए जलाएं। इसके साथ ही 1, 5 या 7 घी के दिए ज़रूर जलाएं। इसके बाद अपने दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ में पुष्प अक्षत लेकर लक्ष्मी, गणेश सहित सभी देवताओं को ध्यान करते हुए पूजन का संकल्प करें। इसके बाद सबसे पहले गणपति और लक्ष्मी का पूजन करें, फिर दीपक पर रोली और अक्षत से टीका करें और जीवन को प्रकाशित करने के लिए दिया और अग्निदेव को धन्यवाद करें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद महिलाएं माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह सामग्री किसी को दान या उपहार में दे दें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर इसका स्वयं उपयोग कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके बाद भोजन और फल भगवान को अर्पित करते हुए नमस्कार करें। इस विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी, गणपति भगवान, सरस्वती माता, कुबेर देवता और माँ काली प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।